HTML ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में हाइपरलिंक और लॉगिन फॉर्म के बारे में पढ़ा और जाना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और वो भी लेटेस्ट फीचर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे जो HTML 5 के साथ ऐड हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वेब 563 चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी कोई जो भी वीडियो अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहा या नहीं रहा और आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखने के बाद आया कि नहीं आया। और अगर आपको लगे कि यह वीडियो हेल्पफुल है तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को लॉस किए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही कम वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही कम वेब सीरीज में मिलते हैं और अक्सर ट्रेनर्स इन सब टाइप्स के बारे में नहीं बताते हैं। आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं एक एक चीज। फ्रेंड्स, एक टैग होता है फील्ड सेट। फील्ड सेट टैग कुछ नहीं करता, एक एरिया जनरेट कर देता है। फील्ड सेट कंटेनर टैग होता है और एक बाय डिफॉल्ट एरिया जनरेट करता है जिसके अंदर हमें वर्क करना होता है। हम इसे रन कराएंगे और रन करा के देखेंगे कि फील्ड सेट टैग का एक्चुअल में वर्क क्या है और ये कैसे बिहेव करता है। ये देखिए, एक बॉर्डर बन गया और बाय डिफॉल्ट 30 पिक्सल के अबव में हाइट भी दे दिया और एक एरिया जनरेट कर दिया कि हमें इसी के अंदर वर्क करना है। फिर इसके बाद एक इसी का चाइल्ड टैग तो नहीं होता लेकिन कह सकते हैं समझने के लिए लेजेंड टैग होता है। लेजेंड टैग भी कंटेनर टैग है। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कहीं भी किसी फॉर्म में उसके बॉर्डर पे ब्रेक करके बीच में और कुछ लिखा रहता है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये लॉगिन फॉर्म है, तो वो होता है लेजेंड टैग। वो लेजेंड टैग का काम होता है, वो बॉर्डर को ब्रेक करता है और उसके बीच लिखता है। जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर को ब्रेक किया और फिर उसके अंदर लिखा, ये लेजेंड का काम होता है। इसे आप सेंटर में भी कर सकते हैं अलाइन सेंटर लगा करके। अब इसके बाद हम लोग लॉगिन फॉर्म में देखे थे कि बिना फॉर्म लगाए हम लोग फॉर्म को बना तो सकते हैं लेकिन उसके फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम फॉर्म टैग भी लगाएंगे। और एक एट्रीब्यूट मेथड जो है जिसे हमें लगाना कंपलसरी होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं मेथड के बारे में लॉगिन फॉर्म में, इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। अब फ्रेंड्स, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आगे बनाने से पहले, क्रिएट करने से पहले, कुछ भी डिजाइन करने से पहले हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता क्या है। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब होता है कि हम यूजर से उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं, गेट करते हैं अपने डेटाबेस के लिए। जैसे आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आप इंक्वायरी के फॉर्म पे क्लिक करते हैं और इंक्वायरी में कुछ फील्ड्स होता है, आप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज अपना एंट्री करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और वो आपका डेटा उस रिस्पेक्टेड वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। यानी कि वो वेबसाइट आपसे आपके बारे में ये पूछा कि आप किस टाइप का इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रेंड्स इसीलिए बनाई जाती है यूजर के इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, फॉरगेट द यूजर इंफॉर्मेशन डेटाबेस। तो फ्रेंड्स फॉर्म हो गया। अब हम आपको लॉगिन फॉर्म पढ़ाते समय बताए थे कि लॉगिन फॉर्म को अभी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप टेबल का यूज करके बनाइए और एक बिना टेबल के यूज करके बनाइए। टेबल का यूज करेंगे थोड़ा बॉर्डर अच्छा आएगा, कॉलम अच्छा आएगा, रो आएगा, बाकी बिना टेबल के भी आप बना सकते हैं लेकिन अभी आप CSS नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग CSS पे डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए हम टेबल का यूज करके हम सब फॉर्म को बनाएंगे और डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं और आप जानते हैं कि टेबल और के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हमें लगाना होता है।
वन पिक्सल, अब इन सब चीजों के बारे में हम लोग जब टेबल का वीडियो बना रहे थे तो उसमें हमने आपको बढ़िया से बताया है। आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर यहाँ पे आपको टेबल से रिलेटेड या HTML के बेसिक टैग से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमारे HTML ट्यूटोरियल के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रीवियस के वीडियोज हैं उसको आप एक बार देख लें, एक बार उसे पढ़ लें, तो आपके जो भी जो बेसिक लेवल कंफ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएंगी। और एक विड्थ भी ले लेते हैं 400 का मतलब 400 पिक्सल। अब आप जानते हैं कि टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम लोग एक रो जनरेट किए। अब इसमें दो कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी हमें, एक लिए भाई हम यहां बताएंगे कि आपको क्या एंट्री करना है, तो यहां पे इनको नेम एंट्री करनी है अपनी। और दूसरा जो कॉलम बनाएंगे इसमें हम इनपुट टैग लेंगे। इनपुट टैग क्या होता है, यूजर के इनपुट को लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या किसी भी चीज के लिए हम लोग कोई इनपुट लेना होता है या कोई इंफॉर्मेशन लेना होता है तो इंफॉर्मेशन वो कहाँ राइट करेगा उसके लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज करते हैं। और इनपुट टैग ये सिंगल टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसलिए इनको यहाँ पर दे। और फ्रेंड टाइप के बारे में हमको बताए थे कि इनपुट टैग में आप किस टाइप के डेटा को लेना चाहते हैं, किस टाइप के वैल्यू वो टाइप आते हैं, वो टाइप हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो नेम है तो नेम जो हमारा होता है वो टेक्स्ट होता है, इसलिए हम टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। और बैकएंड प्रोसेस के लिए भी कुछ इसका एट्रीब्यूट होता है। नेम जैसे हमारा नेम है, आपका नेम होता है, किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। उसी तरह से जब हम इसमें बैकएंड का प्रोसेस के लिए PHP लगाएंगे या दूसरे लैंग्वेजेस आप लगाएंगे तो जब हम इसकी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए कोड लिखेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस फील्ड का कौन सा डेटा है और कहाँ पे स्टोर कराना है। तो वो इनपुट टाइप के नेम एट्रीब्यूट से ही वो आइडेंटिफाई करता है कि ये वैल्यू इस फील्ड का है और ये वैल्यू इस फील्ड का है, इसलिए ये नेम है तो हम इसमें नेम डाल देते हैं। अब अगर रन कराते हैं तो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम राइट कर दे रहे हैं, आराम से टाइप हो रहा है। फ्रेंड्स आप देख लेते हैं, कभी कभी आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे लिखा रहता है एंटर योर नेम और जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, तो वो होता है प्लेस होल्डर से। प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ये अब आप इसमें कुछ भी राइट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से हम सब एक एक फील्ड्स को देखेंगे कि कैसे डेट को हम लोग लेते हैं, कैसे टेलीफोन को लेते हैं और कैसे क्या करते हैं। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए इनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी लेना हो गया, तो ईमेल आईडी के लिए फ्रेंड्स अगर आप टेक्स्ट लिख देंगे तो फिर तो ईमेल आईडी की जगह पे कुछ भी लिख सकता है। हम चाहते हैं कि बिना कुछ लगाए, हमारे बिना फॉर्म वैलिडेशन के लगाए, कुछ अलग से कुछ किए ही ईमेल वैलिडेट हो जाए। कि जिस तरीके से ईमेल होता है कि पहले टेक्स्ट होता है, फिर @ होता है, स्पेशल करेक्टर होता है, उसके बाद जीमेल होता है, फिर डॉट होता है, फिर कॉम होता है, तो उसी वे में ये एक्सेप्ट करे, उसके लिए HTML5 से हमारे पर टाइप एक आया हुआ है ईमेल। अगर आप केवल यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, यहाँ भी चेंज कर दीजिए और यहाँ भी चेंज कर दीजिए, आप अगर आप यहाँ पे टाइप में ईमेल कर दिए तो अब जो भी इसमें आप कंटेंट लिखेंगे वो ईमेल टाइप में ही होना चाहिए। अभी तो आप लिख दिया लेकिन जैसे ही बटन पर प्रेस करेंगे ये बताएगा कि दिस फॉर्मेट हैज बीन नॉट मैच। इसी तरह से डेट, जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी हो, डेट ऑफ बर्थ DOB के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो अब DOB के लिए क्या होता है कि आप बनाने के लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप ऑप्शन बना लीजिए, ड्रॉप डाउन बना लीजिए, ईयर के लिए अलग, डेट के लिए अलग, मंथ के लिए अलग, या तो फिर डेट एक टाइप होता है यहाँ पे, अगर आप डेट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड एक कैलेंडर बन के आ जाता है। ये देखिए, अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैरेट वाले पे, यहाँ पे अब जैसे ही सिलेक्ट किए 5/5/2020 तो ये आपका एक कैलेंडर बन जाता है और ये आसानी हो जाती है आपको DOB डेट ऑफ बर्थ जैसे या डेटा डेट जैसे डेटा को इनपुट करने में। फ्रेंड्स यहाँ पे और भी होते हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं मंथ, जैसे कहीं लिखा होता है अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020,
उस टाइप में अगर आप डेटा को एंट्री कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरा टाइप होता है, हम एक एक करके सभी के लिए बता देते हैं, मंथ यहाँ कर देते हैं ताकि आपको, यहाँ पे आप टाइप में मंथ कर सकते हैं। अब मंथ कर देंगे तो उस ईयर का केवल मंथ ही डेटाबेस में स्टोर होगा जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ये है, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप जैसे 13 में कर लिए मई 2020 से देखिए मई 2020 आ गया, इसमें डेट नहीं आएगा केवल मई आएगा क्योंकि ये मंथ के लिए बना हुआ है और इसमें केवल मंथ ही आपका डेटा जाएगा। कहीं पे आपसे पूछा गया है केवल मंथ और ईयर बताइए तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वीक, ईयर का कौन सा वीक है अगर उसको एंट्री करना है तो आप कुछ मत करिए, आपने मंथ जहां पे आपने मंथ लिखा था वहीं पे एक टाइप होता है वीक, वीक कर दीजिए। फ्रेंड्स यहां पहले से वीक लिखा हुआ है और ये देखिए वीक दे रहा है 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये ईयर के वीक्स है। अगर आप 24 पाएंगे तो 22 वीक्स है ईयर के, देखिए 21, 2020, शायद हमने ऊपर वाले पे क्लिक कर दिया था, राइट ऊपर वाले पे क्लिक किया है हमने, हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो 2020, राइट। अब अगर आपको डेट के साथ टाइम भी देना है तो क्या करेंगे, ये तो हो गया, चलिए आप डीओबी के साथ डेट पूरा दे देते, 5/5/2020 डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, वो नहीं चाहिए था केवल मंथ चाहिए था, चलिए ठीक है ना, आपने मंथ के लिए भी दे दिया, मंथ भी नहीं चाहिए था, वीक चाहिए था, चलिए आप ठीक है वीक के लिए भी दे दिया। अब अगर आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ इंस्टॉल कराना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको एक बता रहे हैं टाइप, उसके लिए होता है डेट टाइम, सॉरी डेट टाइम, और यहां पे लोकल लिखना होगा, तो आपके जो अभी करंट में जिस भी एरिया में जिस भी कंट्री में जिस भी स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे वहां के टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम एक्सेप्ट करेगा ये। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ डेट के लिए हो गया, ये हो गया, तो टाइम आपको ये डेट हो गया, आप यहाँ सेलेक्ट करिए और इसे अप करिए चाहे डाउन करिए जो भी टाइमिंग देना है, ये आवर हो गए, ये आपके मिनट्स हो गए और ये आपका एएम और पीएम बताएगा कि एएम में है कि पीएम में है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमें एड्रेस लेना है उसका तो क्या करेंगे, एड्रेस तो मल्टीपल लाइन में होता है और इनपुट टाइप केवल सिंगल लाइन का इनपुट ही ले सकता है, तो मल्टीपल लाइन के इनपुट को लेने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया फ्रेंड्स हम आपको बता दें एक कंटेनर टैग होता है, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स आप यहां भी लगा सकते हैं, जैसे आप टाइप दे सकते हैं, टाइप का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीपल लाइन जाहिर सी बात है स्पेस भी होगा और स्पेशल करेक्टर भी होगा, फिर भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं आप इसका, एड्रेस है चलिए हम शॉर्टकट ADD लिख देते हैं, प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, इसमें आप एड्रेस वर्ड लिख सकते हैं ताकि दिखाई देता रहे, और यहाँ पे आप समझने के लिए एड्रेस लिख दीजिए, ये आपका एड्रेस के लिए बन गया। अब इसमें आप मल्टीपल लाइन का इनपुट लिख सकते हैं, जैसे ही आप इंटर करेंगे स्क्रॉल बार बनता जाएगा और ये एक्सपेंडेबल ही होता है, इसे आप ड्रैग करके आप इसे बड़ा और छोटा अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया यूज ही करते हैं मल्टीपल टाइप मल्टीपल लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए, मल्टी लाइन कंटेंट को इनपुट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपको एक दो पैराग्राफ भी डालना है तो आप इसमें बेचक दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि किसी दो नंबर के बीच अगर आपको रेंज निकालना हो तो कैसे हो, जैसे फिल्टर में होता है आप इधर से पकड़ते हो स्क्रॉल कर खींच के इधर कर देते हैं, जूम और जूम आउट में भी कर देते हैं, तो दो नंबर के बीच में अगर आपको कोई डिफरेंस निकालना हो या फिल्टर करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां तक कर दिए, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, यहां पे कुछ भी दे सकते हैं आप,
सेलेक्ट दे दीजिए, सेलेक्ट रेंज, कुछ नहीं करना है उसके लिए। आप यहाँ पे आपको एक रेंज टाइप होता है वो आपको लगा देना है, बस रेंज लगा देना है। दो इनपुट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में हमें रेंज निकालना होता है, इससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप इधर उधर कर सकते हैं। हमें यहां तक चाहिए, नहीं यहां तक चाहिए, नहीं यहां तक चाहिए, नहीं यहां तक चाहिए, ये आप आसानी से यहाँ बना सकते हैं और कर सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, केवल रेंज इनपुट लगा दिया, रेंज टाइप लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब कॉन्टेक्ट नंबर की बारी आती है। कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको केवल, अब कॉन्टेक्ट नंबर केवल नंबर ही होता है, न्यूमेरिकल होता है। टेक्स्ट अगर आप डालेंगे तो अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ले लेगा। ये हम चाहते हैं कि इन यूजर केवल इनपुट में न्यूमेरिकल डेटा ही एंट्री करे, तो हम यहाँ पे नंबर कर देंगे। ये देखो फ्रेंड, अब आप इसमें अगर कुछ भी अल्फाबेटिकल टाइप करेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल टाइप कर देते हैं तो ये न्यूमेरिकल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद फ्रेंड्स होता है एक सर्च के लिए होता है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सर्च टाइप लगा देना है, टाइप में सर्च कर देना है। तो आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, इनपुट टाइप नॉर्मल बनेगा। इसमें कुछ राइट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट सर्च करने के लिए आपको राइट करना पड़ता है, लेकिन देखिए इसमें क्रॉस का बटन भी आ रहा है। आपने सर्च किया, नहीं मैच किया, आप क्रॉस कर दीजिए। ओके, अब फ्रेंड्स जेंडर के लिए अगर आपको करना है, जेंडर जैसे जहां पे सिंगल सेलेक्ट आपको लेना है वो डेटा, कि आप चाहते हैं कि यूजर जो है वो केवल किसी भी कंडीशन में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके, दो दो ऑप्शन सेलेक्ट ना कर पाए, यानी कि आपको सिंगल सेलेक्ट का कंट्रोल लगाना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको रेडियो बटन लगाना होता है, रेडियो, और यहाँ पे आप जेंडर कर दीजिए, और प्लेस होल्डर का इसमें कोई नीड नहीं होता। यहाँ पे वैल्यू लगाना होता है, और वैल्यू में यहाँ पे जैसे आप जेंडर के बनाए तो मेल हो गया, और यहाँ पे आपको बाहर लिखना पड़ेगा मेल। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो मेल लिखा हुआ है ब्लैक में, ये यूजर को दिखाई देगा कि वो एग्जैक्ट किसको चेक कर रहा है, और ये वैल्यू मेल जो है ये डेटाबेस में स्टोर होगा। कहीं कहीं पे लोग वन या कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं पे लोग एम और एफ के लिए यूज करते हैं, कहीं कहीं पे मेल और फीमेल लोग लिखते हैं। चूंकि दो जेंडर है तो यहाँ पे रेडियो दो, यहाँ पे फीमेल कर दीजिए आप, मेल और फीमेल दोनों के लिए हो गया। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नेम जो है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर नेम दोनों का डिफरेंस हो गया तो ये सिंगल सेलेक्ट का काम नहीं करेगा। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये हमने मेल पे सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट करेंगे तो मेल डिसलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों इनपुट टैग का, दोनों कंट्रोल का नेम जो है वो सेम है। अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हमने एफ जोड़ दिया, अब फर्स्ट वाला का जेंडर हो गया, सेकंड वाला जेंडर एफ हो गया, दोनों का डिफरेंस नेम है, अब ये सिंगल सेलेक्ट का वर्क नहीं करेगा। हम इसको सेलेक्ट किए, ये दोनों सेलेक्ट हो गया, लेकिन प्रीवियस केस में क्या होता था, जब दोनों कंट्रोल का नेम सेम होता था तो हम एक को सेलेक्ट करते थे, दूसरा ऑटोमेटिक डिसलेक्ट हो जाता था, यानी कि सिंगल सेलेक्ट होता था। तो जब हमें कहीं सिंगल सेलेक्ट के और नीड हो तो वहां पे हम इस रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर मल्टी चॉइस का ऑप्शन हो तो, मल्टी चॉइस की नीड हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी एक होता है टाइप चेकबॉक्स। कैसे करते हैं ये हम एफ हटा देते हैं। जैसे कोर्स कर लेते हैं या सब्जेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी यहां पे हमें लगाना होता है चेकबॉक्स, और यहां पे आप सी वन कर लीजिए या डिफरेंस करिए, कोई मैटर नहीं करता। बीसीए, यहां पे आप बीसीए लिख दीजिए, यहां भी चेकबॉक्स ही करना होगा, और यहां पे सी टू या सी वन एमसीए कर दी, चलिए आप एमसीए कर दीजिए, यहां पर भी एमसीए। अगर और भी हैं दो तीन तो आप कर सकते हैं। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, इनपुट टैग चेक बॉक्स
ओहो चेक बॉक्स स्पेलिंग गड़बड़। अब ठीक है, ये देखिए कोई एक रह गया बीसीए वाला, यहाँ एच एक लग गया था, यहाँ एच एल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी फ्रेंड्स। ये बनकर तैयार है, आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बटन और चेक बॉक्स में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, फर्स्ट तो दोनों के डिजाइनिंग अलग अलग है, रेडियो बटन सर्किल में बनता है और चेक बॉक्स जो है वो आपका स्क्वायर में होता है। दूसरा डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस, बटन यूज रेडियो बटन यूज फॉर सिंगल सिंगल सेलेक्ट एंड चेक बॉक्स यूज फॉर मल्टीपल सेलेक्ट। लेकिन अगर आप यहीं पे ये चाहते हैं कि ऑप्शन तो कई हो लेकिन वो एक सेलेक्ट करे, यानी कि सिलेक्शन का जो डिजाइनिंग है वो आप एक ड्रॉप डाउन टाइप में देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उसके लिए आपको यूज करना होता है सेलेक्ट टाइप। टीआर आपने रो बना लिया, उसके बाद टीडी दो कॉलम, यहां पे लिख दीजिए सेलेक्ट और एक कॉलम और हम जनरेट कर लेते हैं। अब यहां पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग इज अ कंटेनर टैग, इनका भी नेम होगा अपना, तो नेम में हम सेलेक्ट ही दे देते हैं अभी। अब इसमें हमें ऑप्शन बनाना होता है, ऑप्शनल ऑप्शन, और ऑप्शन आपको बता दें कि ये भी कंटेनर टैग होता है। यहाँ पे जैसे आप लिख दिए कुछ भी सब्जेक्ट में दे दिया आप HTML, या तो HTML पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर का जो HTML है यूजर का दिखेगा, लेकिन जब वो इस पे सेलेक्ट करे तो ये डेटाबेस में जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करना होता है। इसमें आप HTML लिख सकते हैं, ऐसे ही आप मल्टीपल ऑप्शंस बना सकते हैं। ध्यान रहे सेलेक्ट टैग और ऑप्शन जो है सेलेक्ट टैग के अंदर ही होगा। ये देखो फ्रेंड, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन ओपन होगा, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप एक टाइम पे एट ए टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसी तरह से अगर आपको अपना कोई इमेज अपलोड करना हो तो कैसे करेंगे, उसको ध्यान थोड़ा देखिए, क्योंकि इमेज अपलोड के लिए आपको क्लिक करें और एक आपका फाइल एक्सप्लोरर सिस्टम का ओपन हो जाए, और आप कोई इमेज सेलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें तो वहां पे अपलोड हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें बनाना होगा, ये हम इसे टाइप कर लेते हैं, एक नया रो ले लेते हैं, टीडी, यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं ताकि यूजर को समझ में आता रहे। फिर अगला कॉलम, नॉर्मल इनपुट टाइप जो हम लोग लेते हैं, इनपुट टाइप। अब फ्रेंड्स से यहां में समझने की बात है, अभी तक हमने चलिए वीक चाहिए था तो वीक डाल दिया, डेट टाइम चाहिए था डेट डाल दीजिए, कैलेंडर चाहिए था तो सिंगल सेलेक्ट के, रेडियो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए चेकबॉक्स डाल दिए, ईमेल के लिए ईमेल डाल दिए। यहां हमें एक फाइल को अपलोड करना है तो हम यहाँ पे फाइल डाल देंगे और इनका नेम भी लिख देंगे, नेम जो भी आप डाल सकते हैं, IMG या फाइल एनीथिंग कुछ भी। अब क्या होगा, ये एक ब्राउज ओपन हो जाएगा, ब्राउज टाइप का बन जाएगा और आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आपने क्लिक किया आपके सिस्टम का फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और यहाँ से आपको जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करना है वो इमेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का डेटा हो गया। अभी तक तो सब कंटेंट टेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, ये इमेज एक फाइल टाइप का अलग डेटा हो गया। इसके लिए हमें फॉर्म टाइप में एक एट्रीब्यूट लगाना होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, ENC टाइप। इसका मतलब होता है इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप इंक्रिप्शन टाइप। इसके एक डालना होता है वैल्यू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट इंक्रिप्शन टाइप जो है मल्टी पार्ट में हो, क्या हो मल्टी पार्ट में, फॉर्म, इस फॉर्म का डेटा, यानी इस फॉर्म का डेटा मल्टी पार्ट में एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप ENC टाइप नहीं लगाएंगे तो सारे डेटा तो स्टोर हो जाएंगे आपके डेटाबेस में, सभी डेटा आपके सर्वर पे जाएगा, लेकिन
फाइल टाइप के डेटा, इमेज टाइप के डेटा या इमेज या आपके फाइल पीडीएफ जेपीजी जो भी हो वैसे उस टाइप के डेटा आपके सर्वर पे सेंड नहीं हो पाएगा, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाएगा और आप सर्च करेंगे एरर तो एरर में आपको दे देगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग जब पीएचपी पढ़ेंगे तो इस पे उस टाइम पे आपको एरर दिखाएंगे, अभी एचटीएमएल में एरर देगा नहीं बिकॉज एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड दिस इज अ एरर फ्री लैंग्वेज। अब फ्रेंड जैसे मान लीजिए कि आपको कलर का कोई चीज लगाना है, कलर लगाना सेलेक्ट करना है तो कलर के लिए जब हम कहीं क्लिक करते हैं जैसे ब्राउज पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया उस कलर के लिए क्लिक करने पर मल्टीपल कलर का ऑप्शन ओपन हो जाना चाहिए, तो उसके लिए नया टाइप है यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं कलर। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है हमें कलर लिखना होता है, नेम भी डाल दीजिए कलर। अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे इसमें तो एक बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर बन के आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कलर का एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और इसमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ ओके कर दीजिए डेफिनेटली यहाँ कलर चेंज हो जाएगा अगर आप कलर भी डालना चाहते हैं। इसको हम वहां यूज करते हैं जहां हमें डायनेमिक सीएसएस का यूज करना होता है, हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस आए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आए। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई यूजर है उसके लिए हमने स्काई ब्लू का पूरा यूजर इंटरफेस दे दिया, अब कोई राम नाम का आ गया यूजर तो हम वो जैसे ही आएगा उसके लिए हमने ऑरेंज नाम ऑरेंज कलर का पूरा यूजर इंटरफेस दे दिया, पूरा फ्रंट एंड दे दिया। तो कलर का हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां डायनेमिक सीएसएस का यूज होता है, वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब बारी आती है बटन की, क्योंकि जब तक बटन नहीं होगा तो हम किस पे क्लिक करेंगे और कैसे ये फॉर्म सबमिट होगा। चूंकि अब बटन के बारे में आपको बता चुके हैं लॉगिन फॉर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, यहां एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बटन टैग इज अ कंटेनर टैग यूज फॉर क्रिएट अ बटन, यहां पे हम लिख देंगे सबमिट और टाइप पे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि टाइप यहां दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबमिट दूसरा होता है बटन, और भी टाइप होते हैं। अभी हम सबमिट, अगर आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो या सबमिट के फंक्शनलिटी चले तो आप सबमिट टाइप रखिए, अगर आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक पे कुछ सबमिट ना हो केवल बटन का स्ट्रक्चर बने तो आप टाइप में बटन टाइप डाल दीजिए, बटन लिख दीजिए इस तरह से, तो केवल बटन का स्ट्रक्चर बनेगा सबमिट नहीं होगा। और इसका भी अपना नेम होता है फॉर द बैकएंड यूजर, इसका यूज तब आएगा नेम एट्रीब्यूट का जब हम पीएचपी यूज करेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए एक ही कॉलम बनाया है जबकि यहाँ पे दो कॉलम है, डर लग रहा है हम लोग लॉगिन में भी किया था लॉगिन फॉर्म में, तो हम दोनों कॉलम को ऐड कर देंगे। तो दो कॉलम को ऐड करने के लिए टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है कॉल स्पैन, कॉलम को ऐड करना है तो कॉल स्पैन, रो को ऐड करना है तो रो स्पैन। ये हो गया, इसे सेंटर में कर देते हैं हम लोग, अलाइन सेंटर का यूज कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करने पर हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। फ्रेंड्स अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें कुछ लिख दिया, इसमें ईमेल लिख दिया, देखिए यहाँ पे दे रहा है ईमेल, हम लोगों ने इसका टाइप ईमेल लिखा था, दे रहा है प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द डेटा। आइए हम सब में एचटीएमएल का जो एक वैलिडेशन होता है रिक्वायर्ड वो हम लगा देते हैं ताकि बिना कुछ किए बिना कोई डेटा एंट्री किए फॉर्म सबमिट ना हो पाए। फ्रेंड्स फॉर्म वैलिडेशन आप एचटीएमएल से यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं और पीएचपी में भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी बैकएंड के लिए रेस्पेक्टेड लैंग्वेज यूज करेंगे उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। अभी हम लोग एचटीएमएल पढ़ रहे हैं इसलिए एचटीएमएल का एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट टाइप में रिक्वायर्ड, उसके जरिए हम लोग वैलिडेट करने का काम करेंगे। सभी में कॉपी पेस्ट कर देंगे ऐसे ही, यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे, ओ सॉरी
इसमें भी इसे भी कर देते हैं वैलिडेट, मेल फीमेल को भी कर देते हैं वैलिडेट। यहां भी कर देते हैं, इसमें आप सेलेक्ट में रिक्वायर्ड लगा दीजिए। अगर आप ऑप्शन में लगाएं तो फिर सभी वैलिडेट हो जाएंगे, सेलेक्ट में लगाइए कोई एक सिलेक्टेड हो। अभी हमारा फॉर्म जो है पूरा का पूरा वैलिडेट हो चुका है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि भैया खाली नहीं जाएगा, पहले आप इसमें कुछ भरो। ये देखिए दे दिया, आप इसमें क्या डाल दिए, अब ये हो गया। अब ईमेल आईडी पे देगा कि आप ईमेल आईडी लिखिए। अगर आप कुछ ऐसे लिख देंगे तो देर आर प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग ऑन एट द रेट, यानी कि ईमेल आईडी जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में नहीं है, आपको सही ही लिखना पड़ेगा, गलत आप नहीं दे सकते हैं। इस तरह से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डेटा डेट एंड टाइम डीओबी के लिए आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ के लिए भी, ऐसे सब में वैलिडेट काम करेगा। ये देखिए जिसने ये वीक हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया तो वीक में मैसेज आ गया, आप वीक को सेलेक्ट करें। इस तरह इसमें आपने कोई डेट कर लिया लेकिन टाइमिंग के लिए नहीं किया, आप यहां से कर सकते हैं। यहां पे आप टाइप भी कर सकते हैं 2:34 AM PM, यहां पे AM या PM जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, DDR जो आपका एड्रेस होगा इसे आप सेलेक्ट करके यहां से यहां तक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्च ईमेल यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं डेटा को। मेल और फीमेल आप जो भी जो आपका जेंडर होगा, जो भी यूजर का जेंडर वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट करेगा। हमने सबमिट पे क्लिक किया और ये बता रहा है कि एक बॉक्स तो खाली ही रह गया। यहाँ पे हम एक इमेज सेलेक्ट करना होगा, कलर पे हमने कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक है, चलिए हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे थंबनेल का कलर है ये, और सबमिट बटन पे क्लिक किए। अच्छा सब में लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ रिक्वायर्ड में सब पे नहीं लगता है। सॉरी, ये इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि हर नेम पे हम लोगों का सब एक ही था, इसलिए चलिए हम हटा के कर देते हैं। अब पूरा रिसेट हो गया, फिर से हमें एंट्री करना पड़ेगा। कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा, हम फिर से एंट्री कर लेते हैं। एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस होगा, यहां से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहां कॉन्टैक्ट नंबर में आप एंट्री कर सकते हैं, यहां सर्च में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना है, जो भी आपका जेंडर हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है, कोई इमेज सिलेक्ट करना है आप यहां पे इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज करना है आपको कोई कलर कलर कर लीजिए, ऐसे ओके कर देंगे आप कलर सेलेक्ट हो जाएगा और इस पे आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ये टाइमिंग ब्लैंक रह गया था, अब फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है और हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके साथ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कहीं कहीं होता है फादर नेम लेना है, कहीं होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है, ब्रदर नेम लेना है, तो उसके लिए नेम फील्ड में जो हम लोगों ने इनपुट टैग लगाया है नॉर्मल, उसी तरह से सब में इनपुट टैग लगता है और उसे बैकएंड से मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें कुछ लिख दिया और इसमें भी कुछ लिख दिया और पूरी फॉर्म को गलत हो गया, तो आपको सबमिट नहीं करना है, आप चाहते हैं कि फिर से पूरा रिसेट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक और बटन बनाना होता है, वो भी देख लीजिए। इसी में इसी के बगल में आप एक और बना लीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिसेट लिख देना है और टाइप में आप चेंज कर दीजिए, टाइप में भी रिसेट हो जाना है।
अब इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म आपका रिसेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सबमिट फॉर्म पे क्लिक किए तो सबमिट होने के बाद रिसेट हो गया। फ्रेंड्स ध्यान रहे, सबमिट पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्लैंक मिलेगा फॉर्म। तो आपका एक तो गलत रॉन्ग डेटा जो था आप जिसे एंट्री नहीं करना चाहते थे वो तो एंट्री हो ही गया ना। और रिसेट बटन क्या करेगा, रिसेट पर क्लिक करेंगे तो बिना यूआरएल रिफ्रेश हुए, बिना सर्वर पर डेटा गए, आपका यहीं से पूरा का पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम लोगों ने फॉर्म बना लिया है, जैसे अभी आप इसमें कुछ एंट्री कर दिए, मैं एक बार फिर से पूरा एंट्री करके आप दिखाते हैं। और यहां से कलर आपने सेलेक्ट कर लिया कोई, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे कलर का था ही ब्लैक। अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यूआरएल पे देखिएगा, यूआरएल आपका रीलोड होगा, लेकिन अगर आप रिसेट पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल देखिएगा, यूआरएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूआरएल आपका रिसेट रीलोड नहीं होगा और बल्कि फॉर्म आपका ब्लैंक हो जाएगा। हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आप यूआरएल पे देखिएगा, ये देखिए आपका, ओहो हाँ, अब आप ध्यान दीजिएगा यूआरएल पे, ये देखिए यूआरएल रिफ्रेश हुआ, यानी कि ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म का डेटा जो है वो हम लोगों ने पोस्ट मेथड दिया, पोस्ट मेथड के थ्रू सर्वर पे जाके स्टोर हो गया। ध्यान रहे अभी स्टोर नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने बैकएंड में कोई कोडिंग नहीं किया है किसी लैंग्वेज का, लेकिन जैसे ही हमने इसमें लिख दिया और मैंने लिखते लिखते मुझे याद है कि ओहो गलत हो गया, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना था, हम रिसेट बटन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक दोनों फील्ड रिसेट हो गया, यूआरएल नहीं हुआ। रिलोड एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये फील्ड कोई भी फील्ड में आप इसे इधर भी एंट्री कर दिए, आपको लगा कि हमने गलत कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना था, हम रिसेट बटन पे क्लिक करें, आप यूआरएल पे देखिएगा, यूआरएल रिलोड नहीं होगा लेकिन फॉर्म आपका ब्लैंक हो जाएगा, पूरा फॉर्म रिसेट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक फॉर्म ब्लैंक हो गया, ये था हमारा रिसेट बटन। हमने पूरे रजिस्टर फॉर्म में नेम कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ लिया, मोस्टली हमें इनपुट टैग के टाइप के बारे में ही पढ़ना होता है कि कहां पे किस तरीके से किस सिचुएशन में हमें कौन से टाइप को यूज करना है। हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप पढ़ा, ईमेल टाइप पढ़ा, डेट टाइप पढ़ा, मंथ टाइप पढ़ा, वीक टाइप पढ़ा, डेट टाइम टाइप भी पढ़ लिया, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया भी पढ़ लिया, सेलेक्ट के लिए दो पॉइंट्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में हमें रेंज निकालना होता है उसके लिए भी टाइप में पढ़ लिया हम लोगों ने, नंबर टाइप पढ़ लिया, सर्च के लिए पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया, रेडियो जहां पे हमें सिंगल सेलेक्ट लगाना होता है, कोर्स के लिए पढ़ लिया। अब कोर्स ही नहीं, आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल सेलेक्ट कराना है वहां पे आप चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेडियो बटन में आपका इनपुट टाइप का नेम जो है वो जितने भी आपको इनपुट टैग लगाने हैं, रेडियो लगाते हैं, जब टाइप आप रेडियो करेंगे तो उन सभी इनपुट टैग का नेम सेम होगा। कैसे होगा, चेकबॉक्स होगा, सेलेक्ट आप वहां बनाना है, आप वहां पे इमेज यूज कर सकते हैं, इमेज के लिए हम लोगों ने कलर लिए, हम लोगों ने कलर टाइप का किया, फॉर्म बटन में सबमिट करने के लिए बटन में सबमिट टाइप का यूज किया, और उसी फॉर्म को रिसेट करने के लिए हमने टाइप में रिसेट टाइप का यूज किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट किया, इसमें फील्ड सेट का यूज कर फॉर्म में, हम लोग लॉगिन फॉर्म में फील्ड सेट का यूज नहीं किया, सेट का यूज कर सेट का यूज करके किया। और फॉर्म इस फ्रेंड्स इस फॉर्म को अभी और भी अच्छे से डिजाइन किया जा सकता है, वो काम पढ़ेंगे आप लोग, सीएसएस पढ़ेंगे तब करें। तो अगले वीडियो में हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आगे के टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करके लिए, तब तक के लिए आप लोगों ने लिखा पढ़ा सीखा कि ये वीडियो आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए कुछ है, कुछ इसमें सीखा आप कमेंट बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो देखा इतने वीडियो को देखा इतने ध्यानपूर्वक, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।